अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तो वेलकम जी, वेलकम हो गया है फिर से ब्लॉगों में। और हमने ये सफाइयाँ शफाइयाँ कर दी थी, और ये इसको क्या हुआ है? तुम भी बाहर निकलना चाहती हो लेकिन हम निकलने नहीं देंगे। बड़े गौर से देख रही है, शायद मौका मिले तो फरार हो जाऊँ, यहीं से ही देख रही है। और इसको क्या हुआ है मोइन? ये देख, डायमंड डाफ को क्या हुआ है? नीचे क्यों बैठी हुई है? अड्डा तो नहीं पाते गया तेरा, इतनी मोटी क्यों हो रही है? वैसे वहाँ पे किसने ये अपने पार तोड़ तोड़ के डाले हुए हैं? शायद इन्हीं के यहाँ उतरे भी हैं, एक ब्लू है ऊपर से। तो जनाब और मतीन ने डोरियाँ सेट कर दी हैं, हम ऊपर जाते हैं फिर ऊपर वाला ब्लॉग दिखाते हैं आपको। दोस्तों अभी जो है मैं ऊपर आ गया, हमारी डायमंड आपको पता नहीं क्या हुआ, बीमार थोड़ी थोड़ी लग गई, उनकी जगह चेंज हुई है ना, वहाँ पे थोड़ी ठंड भी होती है। मैंने इनको कहा भी था किसी पिंजरे में रखते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नीचे रखते हैं। मैंने कहा मर्जी हो, इसको देखें कहाँ चढ़ के आ रही। अगर ये यहाँ से गिरा ना तो मुँह तोड़ देना, मैं इतना मुँह तोड़ देना फिर हमें नीचे उतरो तो मैं डालता हूँ। मैं तो दोस्तों कबूतर शबूतर मैंने खोल लिए थे, ये इसके अंदर चन्ने कहाँ से आए हैं? खैर इन लोगों को डालते हैं दाना। ये लो, दोस्तों को थोड़ा दाना डाला है, अभी बाकी जो है सही प्रावा जी को भी खोल देते हैं। सही जी अंडा शंडा दे के खुश कर दो थोड़ा सा। दोस्तों पता नहीं इनको क्या मसला है, हमारी कोई मुर्गी भी अंडा नहीं दे रही ना कोई डक अंडा दे रही है। इनको तो बस शीट उठाने की देर होती है, जाली के साथ इसके होते हैं, इनको भी खोल देते हैं। आज बनी अपने बच्चे कब देने हैं? छोटे छोटे से क्यूट क्यूट से अपने जैसे हैं। वही मेरी उंगली खा रहे हैं, देखो ये देखिए चाक मार दिया। उधर आना खाना देता हूँ, चाक मार। दोस्तों इन मुर्गियों को जो है एंड में खोलेंगे क्योंकि कबूतरों को मारते हैं, देखते हैं इनमें से किसी ने अंडा दिया या नहीं। कोई अंडा नहीं, पता नहीं क्या मसला, अंडे ही नहीं देती हैं। अभी मैं पता क्या करना लूँ, पूरी छत पे इस तरह बायरा पिला लूँगा ताकि हम लोग सारे जो है अपने परिंदे खोल लें। फिर वहाँ पर कुकड़ियाँ सारी आ जाती हैं, कबूतरों को बेचारों को कुछ खाने ही नहीं देती हैं। यहाँ पे वो देखे इधर से देखिए, ये यहाँ पे सारा बाजरा वगैरह मैंने खिला दिया, इधर ही सारा खिला देते हैं और थोड़ा सा इधर फेंक देते हैं बस। तो दोस्तों बिन कुकड़ियों को भी खोल लेते हैं। और हाँ दोस्तों आपको एक और बात बताऊँ, हमारे जो फिशर हैं ना लव बर्ड, वो फिर से एग देने के आए हैं, क्योंकि मैंने उनको देखा ना तो वो जो है घास नीचे उनका एक पार्ट टूटा था ना, वो टाके ना मक्की में लेके जाते थे, क्योंकि उससे फिर पता चल जाता है क्योंकि नेस्टिंग करते हैं। तो फिर हम लोग अब देखते हैं जगह चेंज करते हैं। पिछली दफ़ा भी उन्होंने पाँच अंडे दिए हैं लेकिन बचा एक भी नहीं निकाला, बहुत अफसोस हुआ क्योंकि दोस्तों हम लोगों ने अंडे तोड़े थे ना, तो अंडों में से जो है ना अंडों में बच्चे सारे बने हुए थे लेकिन बच्चे निकले नहीं हैं, पता नहीं क्या वजह है, टाइम पूरा हो गया था एक तो। मेरे ख्याल से इंक्यूबेशन, लेकिन उसने इंक्यूबेशन भी सही किया, हीट भी ठंड की वजह से क्या पता ख़राब हो गया हो, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। तो अब हम लोग उनकी जगह वगैरह चेंज करेंगे, तो अब क्या पता अंडे दे दोबारा, अंडे तो देगी फिर बच्चे निकालेगी छोटे छोटे क्यूट क्यूट से, फिर हम लोग आप लोगों को भी दिखाएंगे। और दोस्तों जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने जो है ये मुर्गियों के लिए जो है दवाई बनाई थी, जिसके अंदर हम लोगों ने हल्दी डाली थी और घी मिक्सर दोनों किया था और पता नहीं क्या डाला था, क्योंकि मुर्गियां हमारी अंडे नहीं दे रही थी, उस वजह से हम लोगों ने ये बनाया कि हम लोग ये खिलाएंगे इन मुर्गियों को। और हम लोगों ने मुर्गियों को खिलाया, अभी 2 से 3 दिन हो गए तकरीबन हम लोगों ने मुर्गियों को खिलाया, लेकिन मुर्गियों का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया अभी तक। तो क्योंकि यह खिलानी थी सुबह और शाम, हम लोगों ने सिर्फ सुबह सुबह दिन मतलब कि शाम में खिलाते रहे लेकिन सुबह नहीं खिलाई, तो इसलिए अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है। आज हम लोग अभी शाम में खिलाएंगे, कल सुबह खिलाएंगे, फिर शाम में खिलाएंगे, फिर उसके बाद देखेंगे क्या आता है, क्योंकि अभी तक इन लोगों ने ना कोई अंडा दिया है ना कुछ। तो दोस्तों आज का लोग हम लोग इधर तक ही रखते हैं, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा।
जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।